अगर आपसे पूछा जाए कि आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, ऐसे जिन्हें सिर्फ किताबों के बीच में रहना ही पसंद आता है, या फिर वैसे जिन्हें स्कूल या कॉलेज में होने वाली को करिकुलम एक्टिविटीज में हिस्सा लेना ज्यादा अच्छा लगता है। अब आप इन दोनों टाइप्स में से जिस भी तरह के स्टूडेंट हैं, आपको ये पता होना जरूरी है कि इस कंडीशन में आपकी स्टूडेंट लाइफ बैलेंस में नहीं है, क्योंकि एक स्टूडेंट की बैलेंस्ड लाइफ के लिए जरूरी है कि वो स्टडी और को करिकुलम एक्टिविटीज दोनों में ही पार्टिसिपेट कर पाए और दोनों में ही अच्छा परफॉर्म कर पाए, तभी तो वो एक ब्राइट स्टूडेंट बन सकता है। जो स्टूडेंट्स केवल स्टडीज करना ही पसंद करते हैं, उन्हें ये एक्टिविटीज वेस्ट ऑफ टाइम लगा करती है, जो सही नहीं है, क्योंकि इन्हीं एक्टिविटीज की बदौलत स्टूडेंट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और क्राइसिस मैनेजमेंट जैसी स्किल्स को सीख पाता है, जो फ्यूचर में उसके लिए मददगार साबित होती है और उसे ग्रो करने में मदद मिलती है। वहीं जिन स्टूडेंट्स को स्टडीज से पीछा छुड़ाकर इन सारी एक्टिविटीज में बिजी रहना ही पसंद आता है, भाई उनके लिए तो रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि केवल को करिकुलम एक्टिविटीज के दम पर अच्छा स्कोर नहीं किया जा सकता। इनफैक्ट पास होने के लिए भी पढ़ाई जरूरी है और स्टडी के बिना नॉलेज भी कैसे पॉसिबल है। तो मतलब एक स्टूडेंट को इन दोनों के बीच, यानी स्टडी और को करिकुलम एक्टिविटीज के बीच में बैलेंस बनाना आना ही चाहिए। लेकिन ये कैसे बनाया जा सकता है, तो ये जानने के लिए आपको कुछ मिनट इन्वेस्ट करने होंगे इस वीडियो पर। और अब शुरू करते हैं और जानते हैं वो इफेक्टिव टिप्स जो इस बैलेंस को बनाने और मेंटेन रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। टिप नंबर एक है, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कीजिए। लाइफ की किसी भी फेज में अगर आप सक्सेस चाहते हैं, तो चाहे कोई भी चैलेंज या टास्क कंप्लीट करना हो, सबसे पहले चेक कीजिए कि आपका एटीट्यूड कैसा है, क्योंकि उसे पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड पूरी जिंदगी को, पूरी लाइफ को बैलेंस में रख सकता है। तो फिर ये तो केवल स्कूल लाइफ को बैलेंस में रखने का टास्क है। राइट माइंडसेट और पॉजिटिव अप्रोच आपके लिए इस टास्क को बहुत आसान बना देंगे और अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करना और गुड मार्क्स गेन करना आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। तो फिर सबसे पहले इनफैक्ट अभी से आप खुद से कहिए कि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हूँ या रखती हूँ, और हर काम को पॉजिटिव माइंडसेट से ही शुरू करती हूँ। टिप नंबर दो है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लीजिए। और ये आप करेंगे तो इसमें आपका 100% फायदा ही फायदा है, क्योंकि कुछ भी नया आजमाना हो, चाहे किसी एग्जाम को क्रैक करना हो या फिर जिंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल को सुलझाना हो, ये सब करने के लिए आपकी फिजिकल हेल्थ का बेहतर होना सख्त जरूरी है। फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी बनी रहती है, हालांकि दोनों पर अलग तरीके से काम होगा। अपनी मेंटल हेल्थ को तो आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के जरिए परफेक्ट बना ही लिया है, लेकिन परफॉर्म करने के लिए फिजिकल हेल्थ का परफेक्ट रहना भी तो जरूरी है। इसलिए सिंपल से दिखने वाली इन सारी इफेक्टिव हैबिट्स को अपनी रूटीन में शामिल कीजिए, जो कि आपकी स्टूडेंट लाइफ को और फ्यूचर लाइफ को परफेक्ट बैलेंस में बनाए रख पाएंगी। और ये हैबिट्स हैं, एक्टिव रहना, हेल्दी डाइट लेना और अच्छी नींद लेना, ताकि आप अपने गोल्स पर ज्यादा फोकस्ड बन पाए और शानदार परफॉर्म कर पाए। अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को दुरुस्त करने के बाद अब आप पूरी तरीके से तैयार हैं किसी भी टास्क के लिए। इसलिए अब आगे चलते हैं स्टूडेंट लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए, और इसके लिए ये है टिप नंबर तीन, स्केड्यूल बनाइए। दो चीजों में बैलेंस बनाने के लिए जरूरी है कि एक स्केड्यूल बनाया जाए, उस पर स्टिक भी रहा जाए। इसलिए आप एकेडमिक वर्क के लिए एक स्केड्यूल बनाइए और इसके बाद जो भी टाइम बच रहा हो उसमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कीजिए और इसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलिए, हर दिन, हर हफ्ते और हर महीने। इस टाइम ड्यूरेशन में स्टडीज और एक्टिविटीज में होने वाले चेंजेस को जरूर ऐड करते रहिए, ताकि आपका स्केड्यूल अप टू डेट रहे और आपको उसे फॉलो करने में कोई भी परेशानी ना हो। हो सकता है कि स्केड्यूल बनाने की इस आदत को एक्सेप्ट करने में और इस पर स्टिक रहने में शुरुआत में आपको काफी दिक्कत आए, लेकिन आप इस चैलेंज से पीछे हटने का ना सोचे। याद है ना आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, और आप न्यू चेंजेस और चैलेंजेस के लिए तैयार हैं, तो फिर इस शानदार हैबिट को खुले दिल से अपनाइए। थोड़ा समय दीजिए, ये अपने आप आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगी और इसके जरिए आप एक जबरदस्त स्किल भी सीखते जाएंगे, जो है टाइम मैनेजमेंट, और ये काफी इम्पोर्टेंट है। टिप नंबर चार है, ऑर्गेनाइज वे में काम कीजिए। अगर आप एग्जाम टाइम पर टेंशन और एंजाइटी से दूर रहना चाहते हैं, जो कि आई एम श्योर सभी चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड रहना सीखिए। इसके लिए जरूरी है कि स्टडी के दौरान आपको प्रॉपर नोट्स बनाना आता हो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के स्टिकी नोट्स बनाना आपकी हैबिट हो, पढ़ते टाइम डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने की इम्पोर्टेंस आप समझते हो, और आपका सारा स्टडी मटेरियल एक जगह पर आसानी से कलेक्ट करना भी जानते हो। अगर आप ऐसा करना जानते हैं तो आप एग्जाम टाइम पर रिलैक्स और कॉन्फिडेंट रहते होंगे।
और इतना टाइम भी बचा लेते होंगे जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इन्वेस्ट किया जा सके। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करना नहीं जानते तो इसे अभी से सीख लीजिए, क्योंकि ये पूरी लाइफ काम आने वाला है। और अगर स्टूडेंट लाइफ में आपने इसे अप्लाई कर लिया तो आपके हाई मार्क्स आना तो पक्का है। और अपनी पसंदीदा को करिकुलम एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए सफिशियंट टाइम निकाल पाना भी आपके लिए पॉसिबल है। तो फिर देर किस बात की, आज से ही शुरू कीजिए। अब आगे है टिप नंबर 5, बर्डन लेने से बचिए। स्टूडेंट लाइफ जितनी लाइट होती है उतनी ही हैवी भी होती है, यानी इस फेज में रहते हुए स्टूडेंट्स पर फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, लेकिन बेस्ट परफॉर्म करने का प्रेशर ना जरूर होता है। इसलिए एक स्टूडेंट की लाइफ में हल्कापन भी है तो भारीपन भी। अब यहाँ फिर से आपका पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पर आपके काम आएगा, क्योंकि आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ में इनमें से क्या चाहिए ये आपका एटीट्यूड ही डिसाइड करेगा। इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एकेडमिक्स और एक्टिविटीज दोनों में एक्सीलेंस एक्सपेक्ट की जाती है। कई बार स्कूल और फैमिली का प्रेशर भी होता है, जिसके चलते दोनों एरियाज में परफॉर्मेंस खराब होने लगती है। तो ऐसे में आपको ये याद रखना होगा कि आप बैलेंस बनाना चाहते हैं, इम्बैलेंस नहीं। आपको अपनी स्टडीज और एक्टिविटीज को प्रायोरिटी के बेस पर हैंडल करना सीखना होगा, और इसके लिए आपको बर्डन से बचना होगा। हर एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने की जिद को बिना सोचे समझे फॉलो करने से बचना होगा, और ये जानना होगा कि आप कौन सी ऐसी एक्टिविटीज में पार्ट ले सकते हैं जो आपकी स्टडीज को डिस्टर्ब भी ना करे और आपको पसंद भी हो। अगर आप ओवरबर्डन से खुद को प्रोटेक्ट करना सीख लेंगे तो आपको जीने की कला आ जाएगी, और फ्यूचर में भी आप फैमिली, सोसाइटी और खुद से की जाने वाली ओवर एक्सपेक्टेशन से खुद को प्रोटेक्ट रखते हुए ग्रो कर पाएंगे। इसी के साथ आगे टिप नंबर 6 के बारे में जानते हैं, जो है एकेडमिक्स को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना। ये सच है कि आपको एकेडमिक्स और को करिकुलम एक्टिविटीज के बीच में बैलेंस बनाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने टाइम और एफर्ट्स का 50-50% इन्हें देना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको ये समझना है कि एकेडमिक्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और इसे मैनेज करने के बाद ही आप अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं। इनमें से एक को भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टडीज पर फोकस होना सबसे जरूरी है, क्योंकि आप स्कूल और कॉलेज स्टडीज करने ही गए हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के इस स्टेप को अच्छी तरह पार कर सके। टिप नंबर 7 है, को करिकुलम एक्टिविटीज के लिए सिलेक्टिव बनिए। को करिकुलम एक्टिविटीज में पार्ट लेना अच्छा होता है, लेकिन हर किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना अवॉइड करना होगा। आपको सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज में हिस्सा लेना चाहिए जो आपको पसंद हो, जो आपको बेनिफिशियल लगती हो और जिनसे आपकी स्टडी अफेक्ट नहीं होती हो। इसके लिए आपको ऐसी एक्टिविटीज के लिए सिलेक्टिव होना होगा, तभी आप बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे। टिप नंबर 8 है, प्रोकास्टिनेट करने से बचिए। स्टूडेंट लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए और बैलेंस में रखने के लिए आपको प्रोकास्टिनेशन से, यानी काम को टालने की आदत से दूर रहना होगा। अगर एक बार ये आदत पड़ गई तो आपके करियर में भी इसके सिर्फ साइड इफेक्ट्स ही नजर आएंगे, इसलिए इसे मत अपनाइए। और अगर आप ऐसा करते हैं, यानी स्टडी करने और नोट्स बनाने जैसे इंपॉर्टेंट टास्क को भी इग्नोर करते हैं, तो इसके रीजन को ढूंढना शुरू कीजिए। हो सकता है कि आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, अपने प्रोजेक्ट्स टाइम पर पूरा नहीं कर पा रहे हो और स्ट्रेस फील कर रहे हो, क्योंकि आप पर स्टडी का लोड आ गया है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपका ज्यादा समय ले रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे कि रियलिस्टिक डेडलाइंस बनाइए जिन्हें आप अचीव कर पाएं। अपने लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क हो उसे पहले करें। अपने लिए वर्क पेंडिंग रखना बंद कीजिए और हर टास्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड करके अलग अलग टाइम पर पूरा करते चलिए। लगातार एक टास्क करने से होने वाले स्ट्रेस से बचने के लिए बीच बीच में स्मॉल ब्रेक्स भी लीजिए। और अगर आप स्टडी और एक्टिविटीज का बैलेंस बनाने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो हेल्प लीजिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए या अपने टीचर्स से सजेशंस लीजिए, आपको मदद जरूर मिलेगी। और इस तरीके से अब आप जान चुके हैं कि स्टूडेंट लाइफ में स्टडी और को करिकुलम एक्टिविटीज दोनों की ही अपनी इम्पोर्टेंस है, जिसमें स्टडी आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, लेकिन इन एक्टिविटीज को क्विट नहीं किया जाना चाहिए, बस इनके बीच बैलेंस बनाना आना चाहिए। जिसके लिए अगर आप प्रायोरिटी प्लानिंग और एडवाइस जैसे मेथड्स का यूज करेंगे और अपना पॉजिटिव माइंडसेट और हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। और स्टूडेंट लाइफ में बनाया गया ये बैलेंस आपके करियर को कितना पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा ये आपको टाइम के साथ पता चल ही जाएगा। इसलिए हमेशा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, फिर चाहे लाइफ की कोई भी फेस क्यों ना हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, क्या महसूस किया आपने, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपकी तरफ से कोई भी आपकी पर्सनल टिप हो तो प्लीज
मोस्ट वेलकम है, वो भी आप हमें जरूर बताइए। तो मिलेंगे जल्दी ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कोई भी सवाल हो तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, क्योंकि यहां पर होती है अमेजिंग जानकारियां। तो आई एम श्योर कि आप कोई भी जानकारी मिस नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज लगे हाथ ये काम कर लीजिए। रूबी आपसे मिलेगी जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।